अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़िया तबारक और मैं मौजूद हूँ इस वक्त DHA फेज़ 8 में और हम आए हैं यहाँ पे एक ट्रूली रॉयल ट्रीट के लिए, क्योंकि पिज़्ज़ा नेशन ने लॉन्च किया है अपना एक ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा जिसका नाम है क्राउनज़ा। और ये क्राउनज़ा क्या है ये तो जाके हम अंदर चेक करेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा नेशन जो है ना वो नई नई इनोवेटिव चीज़ें करता रहता है और मुझे नई नई चीज़ें खाने का ट्राई करने का तो वैसे ही बहुत शौक़ है। ये पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे, इसके अलावा और भी इनके मज़े मज़े के आइटम हैं जो हम ट्राई करेंगे और देखेंगे कि पिज़्ज़ा नेशन पे क्या हो रहा है। तो फिर चले भाई, पिज़्ज़ा नेशन है, वन नेशन वन पिज़्ज़ा। क्राउनज़ा भी मुझे लगता है कि एक जबरदस्त, बिल्कुल चेक कर सकते हैं, किचन में जाके ट्राई कर सकते हैं। चले भाई आ जाए, जरा मेकिंग देखे जरा पिज़्ज़ा की, और एपेटाइजर में भी हमें कुछ चीज़ें ट्राई करनी है अभी। अच्छा भाई, ये हमारा बन रहा है एपेटाइजर में चीज़ी कालज़ोन। कालज़ोन हमारा बेक होने के लिए रेडी है, फ्राइज भी हमारे एपेटाइज़र के लिए भाई रेडी हो गए। और ये एपेटाइज़र बॉक्स के अंदर हमारे होते हैं कबाब बाइट्स जो कि मेरे फेवरेट हैं, साथ साथ ये हमारे चिकन हॉट सॉस। एपेटाइज़र हमारा रेडी हो रहा है, अब हम आ गए अपने क्राउनज़ा की तरफ। और क्राउनज़ा बनेगा भाई ये से, अच्छा ये ऑलरेडी रेडी हुआ हुआ है यहाँ पे? जी बिल्कुल, हमने इसको स्लाइस असेंबल हमने करके रखा था। तारिफ भाई, ये जो क्राउनज़ा है बेसिकली ये किस तरह का पिज़्ज़ा है, क्या है इसमें? क्राउनज़ा जो है बेसिकली इट्स अ क्राउन शेप पिज़्ज़ा। बेसिकली ये जो आप शेप देख रहे हैं ना ये है असल में क्राउन, ये क्राउनज़ा जो है ये इसकी एक शेप है। ओके, अच्छा ये बाइट्स बन जाएंगी जिस तरह हमने कबाब बाइट्स होती हैं जिस तरह से, और दूसरी बाइट्स होती हैं इस तरह, ये गार्लिक की बाइट्स बन जाएंगी। तो ये जो क्रस्ट हमारा वेस्ट हो जाता है लोग छोड़ देते हैं वो इसके अंदर नहीं होगा। स्टफ क्रस्ट तो हमने खाया हुआ है लेकिन ये ज़रा डिफरेंट तरह का स्टफ क्रस्ट है। जिस तरह कालज़ोन के अंदर भी गार्लिक और चीज़ की फिलिंग थी, उसी तरह इस पिज़्ज़ा के अंदर भी गार्लिक और चीज़ की फिलिंग की जा रही है। एक एक अनियन को, एक एक कैप्सिकम को मैन्युअली सेट कर किया जा रहा है इस क्राउन पिज़्ज़ा के ऊपर, क्योंकि भाई रॉयल ट्रीट है तो उसको बनाया भी उसी रॉयल प्रोटोकॉल के साथ जा रहा है। क्राउनज़ा हो गया हमारा रेडी, और इसके साथ हमने एक और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है अपना हॉट पेपरोनी थिन क्रस्ट। पिज़्ज़ा नेशन की DHA फेज़ 8 वाली ब्रांच है ये, यहाँ पे एक छोटा सा बाहर बैठने का अभी सेटअप है, लेकिन शाम जब हो जाती है तो यहाँ पे टेबल चेयर्स लग जाती हैं, लोग गाड़ियों में भी आते हैं और ऑर्डर करते हैं और अपनी गाड़ी के अंदर ही अभी भी लोग लंच इंजॉय कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त सीन है। टोटल तकरीबन 11 ब्रांचेज हैं पिज़्ज़ा नेशन की, तो आप किसी भी ब्रांच से अपना ऑर्डर कर सकते हैं क्राउनज़ा पिज़्ज़ा। ये आ गया भाई हमारा एपेटाइज़र बॉक्स। भाई क्राउनज़ा तो चला गया हमारा ओवन के अंदर, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए, लेकिन जब तक हम अपना ये एपेटाइज़र बॉक्स ज़बरदस्त सा उसको ट्राई कर लें। ख़ास तौर पे ये आप चेक करें, ये है चीज़ी कालज़ोन। ओ हो, ये जो चीज़ पुल होता है ना, क्या बात है। चीज़ी कालज़ोन के साथ इन्होंने एक स्पेशल सॉस भी दिया हुआ है। गार्लिक सॉस, चीज़, मज़ा आ गया। और इनके एपेटाइज़र बॉक्स के अंदर ये एक सॉस है, साथ में ये मसाला फ्राइज़ हैं, कबाब बाइट्स हैं, और ये हॉट शॉट चिकन, और ये है हमारी चीज़ी बाइट्स। पिज़्ज़ा नेशन का एपेटाइज़र बॉक्स मुझे ख़ास तौर पे बहुत ही पसंद है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वेरिएशन है इसके अंदर। ख़ास तौर पर ये जो कबाब बाइट्स हैं थोड़ा सा सॉस के साथ ट्राई करेंगे, मज़ेदार। ये हो रही भाई हमारे क्राउनज़ा के ऊपर स्मोकी चिपोटले सॉस की टॉपिंग, अलग ही शक्ल निकल के आई है इसकी। ओके भाई, तो क्राउनज़ा भी आ गया है हमारा जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, और साथ में हमने ऑर्डर किया है थिन क्रस्ट ये पेपरोनी हॉट पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले तो भाई मैं वही ट्राई करूँगा जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, और ये आप चीज़ के थ्रेड्स देखें, बहुत ही स्टफ्ड, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है ये। और ये जो मेन चीज़ है ना वो ये बाइट्स है, ये जो 16 बाइट्स इसके अंदर बनती हैं, इसके अंदर इन्होंने ये गार्लिक की और चीज़ की टॉपिंग की है। ये बाइट्स ऐसी हैं कि ये बाइट्स सेल्स जो है ना ये एक अलग
आइटम है ये। इतना मज़ेदार गार्लिक सॉस, उसके ऊपर चीज़ और पिज़्ज़ा की ये डो। होता ये है कि लोग यूजुअली क्रस्ट जो है ना वो उसको छोड़ भी देते हैं, इसीलिए स्टफ़ क्रस्ट लॉन्च हुआ था, लेकिन पिज़्ज़ा नेशन का ये क्राउन्ज़ा का जो स्टफ़ क्रस्ट है, क्राउन क्रस्ट क्राउन्ज़ा, अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार। हल्का सा एक स्पाइस है इस सॉस के अंदर जो कि बहुत मज़ेदार फ्लेवर दे रहा है इसको। बाकी तो इनके जो सिग्नेचर सॉसेज होते हैं पिज़्ज़ा सॉस वगैरह वो हैं ही, लेकिन क्राउन्ज़ा की स्पेशलिटी ये है कि ये इसका जो क्रस्ट है बहुत ही मज़ेदार, साथ में ये स्मोकी चिपोटले सॉस और इनके ये सिग्नेचर इंग्रेडिएंट्स बहुत ही मज़ेदार। और ये हमारा थिन क्रस्ट हॉट पेपरोनी। थिन क्रस्ट हो और पेपरोनी हो और पिज़्ज़ा नेशन हो तो क्या ही बात है भाई। भाई पिज़्ज़ा नेशन का ये नया पिज़्ज़ा क्राउन्ज़ा ट्रूली रॉयल ट्रीट है, और वाकई में ट्रूली रॉयल ट्रीट है क्योंकि इतना ज़बरदस्त इसके ऊपर ये सॉस है, टॉपिंग है, और ख़ास तौर पे ये जो क्राउन है इसका जिसके अंदर मज़ेदार सी गार्लिक और चीज़ की टॉपिंग है, तो ये ऐसा पिज़्ज़ा है कि आप आखिरी बाइट तक जो है ना इसमें से कुछ भी आप छोड़ने वाला है नहीं। बिल्कुल यूनिक फ्लेवर है ये, इस तरह का और कोई इनका फ्लेवर है नहीं, ये सिर्फ इस क्राउन्ज़ा के अंदर ही आपको ये फ्लेवर मिलेगा, बहुत ही मज़ेदार है। भाई पिज़्ज़ा नेशन आऊँ और यहाँ का ये स्पेशल लावा केक ना खाऊँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये चेक करें आप भाई, ये जो लावा निकलता है ना ज़बरदस्त तरीके से गर्मा गर्म, क्या बात है भाई। टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। मज़ा ही आ गया भाई आज तो, सही मानों में ट्रूली रॉयल ट्रीट हुई है आज हमारी। वो जो क्राउन्ज़ा है मुझे तो बहुत ही पसंद आया, नया पिज़्ज़ा है पिज़्ज़ा नेशन का, आप भी ट्राई कीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, या इनकी जो पूरे शहर में 11 ब्रांचेज हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पे जाके ट्राई कीजिए, खाइए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। आज की ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये लावा केक तो भाई